कि स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना है, अलग अलग मोड में क्या करना है उसको वाइब्रेट करना है, और अलग अलग मोड में उसकी क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी। उसी से बिल्कुल ध्यान से सुनना, उसी से बिल्कुल कंपेयर करते करते आज हम लोगों को ऑर्गन पाइप्स भी पढ़ना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मैंने पहले भी कल लिखवाया था कि वो जो फ्रीक्वेंसीज है वो ऑन द टिप होना चाहिए, कि जैसे ही मैं केस बोलूंगा एकदम से आपको फ्रीक्वेंसी याद आना चाहिए। जैसे मैंने कहा था जब दोनों एंड को क्या कर देते हैं हम लोग, फिक्स्ड कर देते हैं, तो केस क्या बनते हैं जब दोनों एंड को फिक्स्ड कर देते हैं, तो कितने लूप्स बनते हैं, फंडामेंटल मोड में कितने लूप बनते हैं। ऐसे बिल्कुल ऑन द टिप होना चाहिए कि फंडामेंटल मोड में कितने लूप बनते हैं, एक लूप बनता है। कैसा बनता है फोटो, तो ऐसा और ऐसा सेम बनता है। फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बिल्कुल ऑन द टिप होना चाहिए, वो कितनी होती है, 2 आता है उसमें, वी बाय 2 है। फिर अगले मोड में एक लूप के बाद इवन लूप मिलते ना, सॉरी एक लूप के बाद क्या मिलेगा, दो लूप पूरे पूरे, तो दो लूप की फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, सारी मिलती, तो F1 टू F1 टू F1 को क्या बोलते हैं, ऐसा। फिर 3 4 5 इस तरह से चलते जाए। जब एक एंड को क्या किया था फिक्स्ड, एक एंड को क्या किया था ओपन, तो ओपन एंड, ओपन मतलब फ्री, तो फ्री एंड पे कैसा मिला था, एंटी नोड, तो लूप मिनिमम कितने मिले थे, हाफ, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या मिली थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी मिली थी, V/4। फंडामेंटल को क्या बोला था, फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद आधे लूप के बाद क्या एक मिला था, फिर आधे के बाद डायरेक्ट क्या मिला था, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई थी, सेकंड वाली गायब हो जाती, तो 3F1 5F1 3F1 को क्या बोला था, फर्स्ट हो। ऐसा सेम टू सेम चीज हमारे ऑर्गन पाइप्स में भी चलेगी। ये ऑर्गन पाइप्स क्या है और जो कल पढ़ाया था वो क्या है, उसमें देखिए, कल जो बच्चों मैंने बताया था ऐसा ऐसा फोटो जो होता है, ये गई टकरा के ये ऐसे वापस आ गए, देखो हाँ। तो अब वक्त आ गया है दोनों को कंपेयर करके ऑर्गन पाइप्स पढ़ने का। अगर आप लोगों को कल वाले लेक्चर आता है तो आज वाले में लगभग सेम ही, कोई फर्क नहीं, और जो लोग कल नहीं आए थे वो आज समझने की कोशिश ना करें। तो जब वेव का क्लासिफिकेशन बच्चों फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एक बार उस पर जाओ, वेव का क्लासिफिकेशन फर्स्ट लेक्चर में यार कर लो, मैं याद दिला दूंगा, मैंने देखो मत। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या बताया था, सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या था, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव हमारे सिलेबस में नहीं। फिर हमने क्या बोला था, मैकेनिकल वेव फर्दर दो प्रकार की होगी, ट्रांसवर्स और लॉन्ग। उसमें क्या बताया था, रस्सी में जो बनती है वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स, और साउंड वेव जो होती है वो कौन सी होती है, लॉन्ग वेव। ये बताया था, चैप्टर को अब मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ। फिर रस्सी में वेव बनाई थी, तो रस्सी में वेव की वेलोसिटी जो थी वो कितनी आई थी, अंडर रूट टी बाय म्यू, टेंशन के टर्म्स में याद है, तो वो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी हो गई, और साउंड की वेलोसिटी के फिर तीन फॉर्मूले लिखे थे जो पढ़े थे, वो क्या थे, गामा आर टी बाय एम, गामा पी बाय रो, और वो तो ऐसा हो गया, तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी अंडर रूट टी बाय म्यू, इसकी वेलोसिटी गामा आर टी बाय एम, अगर इक्वेशन दी होगी तो दोनों को इक्वेट कर देंगे ओमेगा बाय के से। उसके बाद नीचे वाला क्लासिफिकेशन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की बेसिस पे फर्दर फिर अपन ने क्या पढ़ा था, दो प्रकार से पढ़ा, एक क्या थी स्टेशनरी वेव और दूसरी क्या थी ट्रैवलिंग या फिर प्रोग्रेसिव। तो ये जो इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, जिसको शुरू से पढ़ा भाई, ये y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, यही तो क्या है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन। फिर परसों के लेक्चर में पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स क्या होती है, तो वो सुपर पोजिशन के तीन एग्जाम्पल पढ़ के स्टेशनरी अपोजिट डायरेक्शन में मीट होगी तो क्या होगा, स्टेशनरी। फिर स्टेशनरी वेव्स को फर्दर अपन दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये उस क्लासिफिकेशन में नहीं लिखा था, ये इसको देखिए, तो स्टेशनरी वेव्स को फर्दर अपन दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, एक ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और एक क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव है तो वेव की वेलोसिटी जीरो रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो स्टेशनरी।
अब आप पूछ सकते हो कि सर कल जो हमने पढ़ाया था वो क्या था। कल मुझे बताइए बच्चों, कल जो वेव्स बनाई थी, जो भी हमने किया था, रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, वो सब किस में बन रही थी? वो सब प्रोड्यूस किस में कर रहे थे? रस्सी में। क्या बोलते हो बच्चों, वो जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वो किस में कर रहे थे? रस्सी में कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे? एक आई थी टकरा के, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या हो रहे थे? मिल रही थी, तो हमको कैसे फोटो देख रहे थे? ऐसे, जो भी वो वाटर हार्मोनिक्स में। तो स्टेशनरी वेव को बच्चों फिर हम लोग कैसे बना सकते हैं? ट्रांसवर्स भी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो जो कल मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था बच्चों, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड, इसमें भी दो केस बनते हैं, क्या था? बोथ द एंड्स, और वहां क्या था? एक एंड। तो जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था? ट्रांसवर्स स्टेशनरी। आज हमको इसका फाइनल पॉइंट पढ़ना है, दैट इज लॉन्ग। हाँ, जो कल पढ़ाया था, जो कल पढ़ाए थे वो सारे एग्जांपल किसके थे? ट्रांसवर्स स्टेशनरी। अब हम लोगों को लास्ट पढ़ना है, दैट इज क्या? लॉन्गिट्यूडनल में स्टेशनरी वेव्स क्या होती है। तो ये टॉपिक हमारा आज का है, दैट इज ऑर्गन पाइप्स। तो बहुत से बच्चे जो पढ़ने वाले वो भी, आप किसी से पूछ लो ऑर्गन पाइप्स है क्या, हो सकता है पढ़ने वाला तो उसने रट लिया फॉर्मूला हार्मोनिक्स ओवरटोन जो मैं पाया हूं। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि ऑर्गन पाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन को इग्नोर करते हैं। जब तक मैंने इसके पहले किसी टॉपिक में कभी क्लासिफिकेशन नहीं लिखा, आप देखो तो बायो में चलता है, अपन इसके पहले कहाँ लिखा है कभी किसी भी टॉपिक? तो इस टॉपिक में लिखाने का पर्पज ये कि जब वेव को क्लासिफिकेशन से पढ़ोगे तब मजा आएगा कि ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ा, फिर ये, फिर इसका एक टाइप, फिर इसका दो टाइप। तो ऑर्गन पाइप्स क्या होते हैं ये बहुत से लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऑर्गन पाइप्स मतलब, पाइप से नाम सुन रहा, पाइप मतलब क्या, एक तरह से ये क्या है? ट्यूब्स। किसके काम आते हैं? अच्छा, प्रैक्टिकली चूंकि साउंड को देख नहीं सकते तो वो प्रैक्टिकल, उसका प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल हमारे इसमें है भी। तो ऑर्गन पाइप्स क्या होता है? तो सबसे पहले ऑर्गन पाइप्स आर द नैरो ट्यूब्स, इनका काम क्या है? विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव बनाने के काम में आती है। स्टेशनरी वेव कौन सी? लॉन्गिट्यूड। तो आप ये कह सकते हो ऑर्गन पाइप्स आर द नैरो ट्यूब which are used to produce the stationary waves, which are used to produce the longitudinal stationary waves. पहले ये definition को आप लोग ध्यान रखें और इस पर बात करें। फिर दूसरी बात ये है कि organ pipes को कैसे पढ़ें। अगर इससे कल वाले टॉपिक से आप अलग पढ़ोगे तो यकीन मानिए ये बहुत भारी है। अगर इसको मैं अलग से बुक की लैंग्वेज में पी इज इक्वल टू पी नॉट प्रेशर के वेरिएशन से बताऊंगा और वो सब बताऊंगा तो वो बहुत भारी है, क्वेश्चन उस पे से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली मोड्स पे। तो जो कल मैंने सिखाया उसी को हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। उसी को डायरेक्ट कंपेयर कैसे करना है? तो बस कल वाली बात को, कि स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स थे और स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स थे और एक एंड क्या है? फ्री है, उसी से यहाँ पे कंपेयर करें। अच्छा, ऑर्गन पाइप्स दिखने में कैसे होते हैं? वैसे इनके शायद स्कूल में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, शायद इनके प्रैक्टिकल्स में भी ऑर्गन पाइप नहीं, सोनोमीटर और ये साउंड के वैक्सीन लोडिंग वाले एक्सपेरिमेंट तो है बट ऑर्गन पाइप प्रैक्टिकल, क्योंकि ये आगे जाके जो बहुत बड़ी लैब्स होगी उसमें ऑर्गन पाइप्स में प्रेशर वेरिएशन ये दिखाते हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ कंपेयर कैसे करेंगे वो स्मार्ट देखना। जो कल मैंने आपको कहा था कि शुरू में सुनो, क्योंकि आप लोग बिल्कुल नया टॉपिक है, फिर जब आखिरी में अपन ने किया तब आप सारे मोड समझ के बनाना, यहाँ पर भी सुनना। तो ऑर्गन पाइप्स भी दो प्रकार के होते हैं भाई, काम क्या है वो तो समझ लिया, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्गन पाइप होता है बोथ एंड ओपन। देखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वेव पे इन तीन टॉपिक पे से बनते हैं। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव ए साइन ओमेगा टी, उसकी मुझे लगता है 50-100 क्वेश्चन दे दिए मैंने, सबसे ज्यादा पहले उसको बनते हैं।
बीच का जो इंटरफेरेंस वाला पार्ट है इस पे थोड़े कम, क्योंकि 12th क्लास में भी है, तो यहाँ नहीं तो वहाँ बन जाएगा। दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इस पे से, ऑर्गन पाइप्स में से। और तीसरा डॉपलर तो एक अलग अलग ही पॉइंट है, बना तो बना नहीं तो नहीं, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट। तो ऑर्गन पाइप पे क्वेश्चन बनना मतलब वही जो कल पढ़ा था। तो ऑर्गन पाइप दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला ऑर्गन पाइप होता है बोथ एंड ओपन, वो भी समझाऊंगा, और फिर दूसरा ऑर्गन पाइप होता है वन एंड ओपन एंड वन एंड क्लोज। इसका कंपैरिजन कैसे करें, किसी के पास रेफिल है, टैंक की रेफिल लगाना, थोड़ी मोटी वोटी हो। हाँ ये अच्छी मोटी, जैसे ये देख रहे हो खत्म हो गई, नहीं नहीं ये देख रही सबको टैंक की रिफिल। क्या ये नैरो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है, ये क्या है नैरो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स, तो ये नैरो सिलेंड्रिकल ट्यूब से तो इससे आप लोग समझ लीजिए क्या है ये ऑर्गन पाइप। इसमें वो लोग क्या करते हैं, साउंड को ट्रांसमिट करते हैं और फिर स्टेशनरी वेव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, साउंड में वो हम लोग देखते हैं वही रहता है, प्रेशर का वेरिएशन से रिफ्लेक्ट होती है, दोनों मिलती। अभी ये ट्यूब जो आप देख रहे हो रिफिल, क्या वो एक तरह से खुली, देखो इधर से क्या है खुली है, और इधर से कैसी आपकी बंद है। तो ये पहला ऑर्गन पाइप होता है कि एक एंड से खुला और दूसरा एंड से क्या होगा बंद, यहां कहते हैं खुला और बंद, तो ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट वन एंड। अब सोचिए अगर इसको निकाल दूं तो निप को, अगर निब को क्या करूंगा मैं निकाल दूंगा, तो निब को निकालने से क्या हो जाएगा आपका दोनों एंड क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। अच्छा दोनों एंड क्लोज क्यों नहीं किए, ऑर्गन पाइप का काम क्या है, ऑर्गन पाइप का काम क्या है, स्टेशनरी वेव बनाना, किसमें, साउंड में, साउंड में स्टेशनरी वेव किसकी मदद से बनाते हैं ऑर्गन पाइप से। तो अगर इसके दोनों एंड को बच्चों आप क्या कर दोगे क्लोज कर दो, सोचो पाइप को इधर से भी बंद कर दिया और पाइप को इधर से भी, अगर दोनों तरफ से बंद कर दोगे तो क्या साउंड को अंदर भेज पाओगे क्या, इसीलिए दोनों एंड क्लोज वाला यहाँ पर नहीं बनता। तो यहाँ पर कैसी कैसी बनती है, बोथ एंड ओपन, बोथ एंड ओपन कैसे दिखेगी, क्यों बोथ और एंड ओपन दिखेगी कैसे, ऐसी नैरो ट्यूब है, तो यहाँ से भी क्या है ये खुली है, बट यहाँ से भी क्या है खुली, ऐसा बोला नहीं वाला था बुक में, ऐसा तो अगर दोनों तरफ से खोलिए तो ऐसे, और ये कैसे बनेगी, तो एक तरफ से बंद, तो एक तरफ से बंद कैसे दिखेगी बच्चों, देखो ये एक तरफ से बंद, तो ये कौन सा एंड है ओपन एंड है, और ये कौन सा एंड है क्लोज एंड है, और ये वाले दोनों कैसे हैं ओपन एंड है, और ये भी कैसा है। तो ये दो प्रकार के ऑर्गन पाइप्स हम लोग को पढ़ने, तो जब जब मैं ऑर्गन पाइप्स कहूंगा क्या थोड़ा सा मामूली से क्या सोचना, ऑर्गन पाइप मतलब ट्यूब, इस ट्यूब्स में आप क्या करोगे साउंड को ट्रांसमिट कराओ, साउंड को ट्रांसमिट कराने के क्या तरीके हो सकते हैं, एक तो क्या हो सकता है इस ट्यूब में चिल्ला ओ, तो आपने साउंड बड़ी, तो क्या होगा देसी तरीका होगा, एक्सपेरिमेंटल तरीका क्या है ट्यूनिंग फॉर्क, तो ट्यूनिंग फॉर्क को बजाते हैं और वो ये ऑर्गन पाइप के पास में रखते हैं, तो उससे जो साउंड बनता है वो क्या जाता है ऑर्गन पाइप्स के अंदर, हालांकि वो बहुत नैरो होती है तब वो काम करेगा। अब सवाल मैंने क्या बोला, हमें करना है यहाँ पे स्मार्ट वर्क, जो बुक में प्रेशर वेरिएशन से इसको डिराइव किया है वो सब क्या है उसको स्किप करके हमें कल वाले पार्ट से डायरेक्टली क्या करना है कंपेयर करना, ताकि दिमाग पे कोई एक्स्ट्रा हो जानी है। अब इसे कल वाले पार्ट से कंपेयर कैसे क्या होगा, इसे कल वाले पार्ट से कंपेयर कैसे करें, देखो तो जब दोनों एंड ऑर्गन पाइप के खुले होते हैं, दोनों एंड ऑर्गन पाइप के खुले हैं, उसका कंपैरिजन स्ट्रिंग के किसके साथ होगा, क्या स्ट्रिंग के दोनों एंड फ्री वाले कोई केस थे क्या, कल क्या बताया था, क्या स्ट्रिंग के दोनों एंड फ्री वाले कोई केस है क्या, दोनों एंड फ्री कर दो तो वाइब्रेट कैसे करो, तो ऑर्गन पाइप्स के दोनों एंड को जब हम लोग क्या करते हैं फिक्स्ड करते हैं, तो उसका कंपैरिजन स्ट्रिंग के कौन से, दोनों एंड फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब रिजिड, तो यहां दोनों एंड ओपन है, यहां ध्यान से ना फिर कंपेयर करूंगा तो पूरी बात समझ में आएगी, इसका कंपैरिजन होगा स्ट्रिंग के कौन से, छोड़ो याद है
दोनों एंड किसके साथ में फिक्स के साथ, मतलब जो दोनों एंड फिक्स में केसेस बन रहे थे वो यहाँ दोनों एंड ओपन में बने। याद कैसे रखोगे, यहाँ दोनों एंड खुले वहां दोनों एंड क्या फिक्स। क्या केस थे जब दोनों एंड फिक्स करते थे, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलती थी उसको? तो भाई जितनी बार बोलोगे उतनी बार ही कम है मेरे हिसाब से, 50 बार कम से कम लेके दोस्तों, कि जैसे सुना एकदम से याद आना चाहिए कि जब दोनों एंड फिक्स होता है देख गया तो कौन सी मिलती है, ऑड इवन कि सारी, वो बार बार होना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब जब ऑर्गन पाइप्स के दोनों एंड खुले होंगे तब भी हमको क्या होगी, सारी फ्रीक्वेंसीज मिलेगी, कितनी होगी उसको भी हम लोग लिख देंगे। हाँ। दूसरा कंपैरिजन देखो भाई, ये मत सोचना आप लोग कि कोई पढ़ने वाला बच्चा है या कोई नहीं, मेरी नजर में भाई सब एक ही है। तो अगर आप लोग जो रोज होमवर्क करते हो पढ़ने वाला, अगर आप सोच लो कि नहीं हम लोग तो रोज करते हैं, एक दिन सप्ते का दिन है तो सब एक ही है, और नरमी का है फिर तो लो मजे, कोई समस्या नहीं। क्यों भाई यहाँ पे क्या होगा कि जब एक एंड ओपन होगा और एक एंड क्या होगा फिक्स, तो इसका कंपैरिजन हम लोग किसके साथ में करेंगे, स्ट्रिंग के एक एंड फिक्स और यहाँ क्या बना दोगे चूड़ी, तो ये फ्री और ये फिक्स, तो जो यहाँ केस बनते थे वो सारे क्या होंगे यहाँ पर। हाँ तो फ्रीक्वेंसी कौन सी मिलेगी, ऑड वाली वी बाय फोर एल, थ्री वी बाय फोर एल वैसी ऑड वाली सारी मिलेगी, ठीक है चलिए। हाँ वाले क्यों, अभी तो 10-15 मिनट ही हो बेटा, काटा चार पे तक मुंह खड़ा दिया था मैंने, 10 पहन दो फिर बैठ जाना है ना, क्यों भाई हाँ शुभ को मजा आ गया, सही ना शुभ मजा आया ना, शुभ को मजा आ रहा है, मैं चेहरे पे भाव पा रहा हूँ आज में। एक और कंपैरिजन जो देखना है वो तो ये हो गया, फॉर्मूले डायरेक्टली बन जाए कोई दिक्कत है। दूसरा एक कंपैरिजन ये करना है, कोई अंकल तुम लोगों को यार होमवर्क करो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता रोज खड़ा रखना, या फिर आपको डिस्काउंट में डाल दूं कल से, अगर तुम दोनों होमवर्क कोई करके नहीं लाओ भाई शेड्यूल करके लाओ आपका लुकआउट, कल से तुम दोनों अगर होमवर्क करके नहीं लाओगे तो आप दोनों को भी डिस्काउंट में डाल दूंगा। डिस्काउंट में डालने का मतलब है फिर आपसे पूछूंगा नहीं करेंगे, करके आओ नहीं आओ, बट उसमें तुम लोग बर्बाद हो जाओ, ये ध्यान रखना। हाँ दूसरा कंपैरिजन एक छोटा सा फर्क है, फॉर्मूले तो पूरे सेम होते हैं, छोटा सा फर्क बच्चों एक समझ लो, जैसे ये ध्यान से देखना, हमने बोला कल हमने जो पढ़ा था फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड का कंपैरिजन यहाँ पर हम लोग किसके साथ में करते हैं, ओपन के साथ। तो नोड जो मैंने कल पढ़ा था, नोड क्या होता है, अब वक्त आएगा नोड के टाइप बताने का, कि नोड तो एक शब्द है जिसके भी साथ नोड लगा है मतलब उसकी वैल्यू जीरो, जैसे इनके होमवर्क के आगे नोड लगा दो तो इनके होमवर्क के आगे नोड लगा दो मतलब कि इन्होंने होमवर्क किया ही नहीं, होमवर्क कितना है इनका जीरो। तो यहाँ पर नोड भी दो प्रकार के होते हैं, सुनना ध्यान से, तो वो नोड्स कौन कौन से हैं, तो एक होता है डिस्प्लेसमेंट नोड और एक होता है प्रेशर नोड। तो डिस्प्लेसमेंट नोड मतलब क्या होगा, क्या होगा वो पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो प्रेशर नोड क्या होगा, ध्यान रखना। तो जो कल मैंने बताए थे स्ट्रिंग, भाई कंपेयर करने का स्मार्ट तरीका है, जो रस्सी की बात हम लोग कल कर रहे थे, रस्सी में डिस्प्लेसमेंट नोड चलते हैं, ऑर्गन पाइप्स में प्रेशर का वेरिएशन होता है, तो वहां पर क्या चलेंगे प्रेशर की चलेंगे। तो याद रखने का तरीका, फिर जब मैं फोटो बनाऊंगा और फोटो को जब मैं फाइनल करूंगा तब आप लोग बेहतर कल के साथ कंपेयर कर लेंगे। कॉपी बंद कर दो सब लोग, पागल हो क्या अभी लिख रहे हो, तो बाद में कौन लिखेगा, फिर कॉपी बंद करो, बंद कर दो बेटा, खुली मिल जाएगी तो मैं ले जाऊंगा। आदित्य कल तो तुमने लिख लिया था,
वैसे दो तीन बच्चों को दे देते नोट्स है, वो बोल ही देते हैं इसको, इन लोगों को चाहिए बेचारे गरीब लोग नोट्स नहीं लिखते हैं लोग, है ना। देखो तो कल वाले केस में और आज वाले केस में हमने बोला दो टाइप के नोट्स होते हैं, तो एक बात ध्यान रखना स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप, थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप में एक दूसरे के नोड्स और एंटी नोड्स उल्टे होते हैं। अभी से सुनते सब दिमाग में लगा, नोड्स और एंटी नोड उल्टे होते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी सिर्फ सुन दिमाग मत लगाना। जहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां पर जो ऑर्गन पाइप से प्रेशर का क्या होगा एंटी नोड। ऐसे एंटी नोड भी दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से, इसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, मतलब जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है मैक्सिमम और प्रेशर एंटी नोड मतलब प्रेशर मैक्सिमम। तो याद रखने वाली पॉइंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं मतलब क्या, जहां पर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा नोड, वहां पर प्रेशर का क्या होगा एंटी नोड। उल्टा, जहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा वहां पर प्रेशर का क्या होगा। तो अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग पाएंगे पूरे के पूरे फॉर्मूले सेम है, सिर्फ जो डायग्राम है वो डायग्राम क्या होंगे थोड़े से बदल जाएंगे, और वो जो बदलेंगे वो इस पॉइंट से बदलेंगे। एक बार पहले ये देख लो, एक बार पहले ये देख लो कंपैरिजन किसका है, सुन लो, जो वहां फिक्स एंड का कंपैरिजन है वो यहां पर किसके साथ में होगा, हमारे ओपन के साथ में होगा। और दूसरा कंपैरिजन जो वहां रस्सी में क्या मारेगा, ये कौन सा एंड है, तो जो रस्सी में फ्री एंड है उसका कंपैरिजन यहाँ पे किसके साथ में होगा, एक बार इस पे विचार कर देख लो। तो फिक्स एंड का कंपैरिजन ऑर्गन पाइप के खुले वाले एंड के साथ, और जो फ्री एंड का कंपैरिजन है वो ऑर्गन पाइप के क्लोज्ड के साथ। ये बात देख लो पहले, फिर फोटो बनाऊंगा तो मेरी बात उसे ही बोलूंगा सर, ये याद रखना। हाँ हाँ देखिए, सुपर डिस्टेंस नोड और डिस्टेंस एंटी नोड मतलब क्या है, अभी सुनो 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 तुम भी सुनो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नोड मतलब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड मतलब वहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। आगे आगे फोटो बनाऊंगा तो मेरी बात समझना। ये देख लो एक बार, इसमें नो इफ नो बट, आगे लगा देना। ये क्यों, तो ये वो कंक्लूजन है जो बुक में नहीं लिखा डायरेक्टली, बुक में तो पूरा प्रेशर वेरिएशन सब लिखा है, उन सब का जो मान निकाल के लाया हूं मैं वो ये मान है। क्या देख रहे हैं उन सब का कंक्लूजन, ये अच्छा लग रहा है आप लोग पढ़ने में। देखो मैं तो हमेशा विश्वास करता हूँ जिंदगी में सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए। चौहान सर ने आपको खड़ा किया तो मैंने आपको आगे बढ़ा दिया, बट मैं यही नहीं रुकूंगा। अब जो होमवर्क करके नहीं लाएगा उसका अगला अपग्रेडेशन क्या होगा, नहीं नहीं पंखे तक डायरेक्ट पंखे तक तो ना, ये भी तो है। अगली बार खड़ा आपको यहाँ रखेंगे, सुन लो वेरिएशन यहाँ रखेंगे, उसके बाद जो और नहीं लाएगा पंखे पे तो कर नहीं सकते प्रैक्टिकली, तो उसके बाद फिर उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब क्लास में आपसे मेरी आवाज सुनोगे, बोर्ड नहीं देख पाओगे। एक बार डेमो दिखा दे सबको, तुम भी उल्टा खड़े उधर और थोड़ा मतलब बिल्कुल उल्टा। हाँ तो अगली बार फिर ये वेरिएशन देगा कि इसमें ये लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं पर देख नहीं पाएंगे, बट ये बेंच पे होगा। उसके बाद फिर वेरिएशन में आप लोग बचपन में होते ना लंगड़ी, उसके बाद फिर उसको एक पे कर देंगे। मुझे लगता है उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना काम हो जाएगा। हाँ मुर्गे पे भी आ जाते हैं, एक बार एक रिपीटर के बच्चे को इसको ट्रायल करने को इसको बहुत एक क्या बोल रहा हूँ ना, तो फिक्स्ड एंड का कंपैरिजन ओपन के साथ में है और फ्री एंड का कंपैरिजन क्लोज के साथ में। अब केस बनाता हूँ, देखना केस सुनना। ऑर्गन पाइप
कल से ले लो 100 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, कल से तैयार रखो। और कुछ बोलना तो बोलो, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। 30 मिनट, हाँ चलो करो बेटा, कर दिया। हाँ हाँ, बस देखो सबसे पहले देखना फोटो, देखना मैं तो ऑर्गन पाइप। अब सब प्लग मिले ऑर्गन पाइप का पहला केस, पहला टाइप जब दोनों एंड कैसे हैं ओपन है। कल प्रैक्टिकल सिखाया था वाइब्रेट करने वाला, यहाँ ऑर्गन पाइप में वाइब्रेट करने वाले केसेस नहीं होते, उनका सीधा सीधा कंपैरिजन करना है। अब आप बैग वैग गिनना नहीं सीख, देख लो उधर। तो कल मैंने क्या सिखाया था, फंडामेंटल मोड क्या होता है। कल हम लोगों ने बोला था फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो क्या था। सो इट इज द डेफिनेशन क्या थी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन फ्रॉम एनी मोड। तो अगर ऑर्गन पाइप के दोनों एंड को ओपन कर दें तो फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, इसका कंपैरिजन ध्यान से देखना। वही बात है, 2-3 मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप खुद बना लोगे। तो शुरू के 3 को अच्छे से देख लो। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, दोनों एंड कैसे चाहिए, ओपन चाहिए। तो कंपैरिजन देखना, ये वाला एंड भी ओपन है ध्यान से देखो, और ये वाला एंड भी कैसा है, ओपन है। मैंने क्या बोला, कंपेयर कैसे करते हैं, जो ओपन एंड होता है उस ओपन एंड का कंपैरिजन हम लोग किसके साथ में करते हैं, फिक्स्ड एंड के साथ। देखना, तो ये ओपन एंड है तो इसको कंपेयर कर दो स्ट्रिंग के कौन से, फिक्स्ड एंड के साथ, और इधर वाला ओपन, ओपन का कंपैरिजन कैसा है, स्ट्रिंग के फिक्स्ड के साथ। तो बस अब स्ट्रिंग के फंडामेंटल केस को याद कर लो। स्ट्रिंग के फंडामेंटल केस में फंडामेंटल मोड में कितने लूप बनते हैं, याद आ रहा कल वाला, दोनों एंड फिक्स है तो कितने लूप बनते हैं, एक। तो वहां मैंने क्या बताया, देखना, तो फिक्स्ड एंड पे, अभी ऑर्गन पाइप को छोड़ो, फिक्स्ड एंड पे क्या बनता है, नोड के एंटी नोड। तो यहां भी क्या मिलेगा, नोड, और यहां भी क्या मिलेगा, कल मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा था ध्यान से, अब मैं डिस्प्लेसमेंट, कल वाले केस में स्ट्रिंग में जितने भी नोड एंटी नोड थे, रस्सी है तो रस्सी में डिस्प्लेसमेंट के नोड एंटी नोड बनते हैं, ऑर्गन पाइप से तो ऑर्गन पाइप्स में किसके बनते हैं, प्रेशर। तो ऋषि जी देखो यहाँ कैसे बनाएंगे, तो ये जो फिक्स एंड पे आपने कहा था नोड, अब इस नोड के आगे एक नाम लिखेंगे डी एंड, डी एंड मतलब डिस्प्लेसमेंट नोड, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट नोड। ठीक है, जब दोनों एंड फिक्स होते तो एक लूप बनता है, तो एक लूप कैसा बना था, यानी हाँ जो इससे बनाया था कैसा बनाया था, ऐसा बनाया था, ये पॉइंट क्या था, कौन सा एंटी नोड, अरे बेटा सुनो सिमरन पूरी बात में बोले तो रस्सी में जो बनते हैं वो सारे डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट नोड था, ये एंटी नोड लिखा था ना, अब इसको क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। इस फोटो को देख लो एक बार अच्छे से पहले। अब सुनो, ये तो जो कल सिखाया था वो ये था, अब इससे इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया लास्ट वाली स्लाइड में, मैंने क्या बताया कि ऑर्गन पाइप और रस्सी में नोड्स और एंटी नोड की पोजीशन क्या होती है, जस्ट उल्टी होती है। तो आप सोचो बच्चों, उल्टी अब कैसी होनी चाहिए। अभी और 3 एग्जांपल बताऊंगा, चौथा आप खुद बना। तो यहां अगर डिस्प्लेसमेंट नोड है बच्चों, देखना, इसका जस्ट उल्टा, फिक्स्ड एंड पे नोड मिलता है, इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, ओपन। तो यहां पर बच्चों क्या मिलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का नोड है तो यहां प्रेशर का क्या मिलना चाहिए, ऐसे इधर डिस्प्लेसमेंट का नोड है तो इसका उल्टा यहां पर प्रेशर का क्या बनना चाहिए, इसका उल्टा यहां पे प्रेशर का, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एंटी नोड है, तो इसके जस्ट यहां पर क्या बनेगा, प्रेशर का क्या बनेगा, तो फोटो कैसा बनना चाहिए। हाँ बैठ जाओ, देखो बैठो ना,
देखो, तो ये तो बना लिया था। अब इसके जस्ट उल्टा फोटो कैसा बनना चाहिए? देखो बच्चों, यहाँ पर प्रेशर को क्या चाहिए मैक्सिमम, इसको बता दोगे? हाँ बस उल्टा कर देंगे। कैसा करेंगे? हाँ, तो यहाँ प्रेशर क्या चाहिए बच्चों? मैक्सिमम। यहाँ भी प्रेशर क्या चाहिए? मैक्सिमम। इस पॉइंट पे क्या चाहिए? प्रेशर मिनिमम। तो फोटो कैसा आएगा? देखो मैक्सिमम मतलब ऐसा, लोगों को समझाने के चक्कर में एक और वो ऐसा आएगा ना, इस तरह से। एक मिनट शांति तो रखो मैं। देखो तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या हो गया आपका? मैक्सिमम हो गया। यहाँ भी प्रेशर क्या होगा आपका? मैक्सिमम। और यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, तो यहाँ क्या हो गया आपका? तो ऐसे फोटो बनते हैं। यहाँ नंबर ऑफ लूप कितने बन गए? यहाँ कितने बन गए? कैसे? इधर आधा और उधर भी क्या है? आधा। तो वो सारी कहानी से एक लूप बनेगा, सारी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, हार्मोनिक्स ओवरटोन सब कुछ सेम। सिर्फ फर्क क्या होता है फोटो का, कि जहां यहाँ नोड होगा, यहाँ नोड पे एम्पलीट्यूड कितना है? जीरो। तो यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम है, तो यहाँ क्या हो गया? जीरो। बाकी सॉल्व करने का तरीका भी सेम है। कल मैंने आप लोगों से तो बनवाया था, आज भी बनवाऊंगा। सॉल्व करने का तरीका क्या, कैसे बनाते हैं? लेंथ और स्ट्रिंग तो सेम रहती ना, तो ये लेंथ और स्ट्रिंग यहाँ किसके बराबर थी? क्यों? तो किसके बराबर थी? लैम्डा बाई टू। तो यहाँ भी किसके बराबर होगी? ये कितना होगा? ये बताओ ये कितना होगा? और ये भी कितना होगा? लैम्डा बाई टू। बस प्रेशर का वेरिएशन उल्टा होता है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई थी कल वाला देख लो, वी बाई लैम्डा। तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी लगती थी? That is equal to 2. तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली थी वो कितनी मिली थी? V. तो बस जो दोनों एंड के फिक्स में बनती है वही यहाँ पर बनती है। बोलो जल्दी। दोनों उल्टे सेमी सर्कल नहीं, पहली बात तो ये उल्टे कैसे? एक ऐसा आउटफ्लो जॉइंट करते हैं दूसरा, वहाँ पे मिनिमम होते हैं। हाँ ऐसा बोल रहे हो? नहीं हाँ बस उल्टे। ये सेमी सर्कल कैसा? ऐसा कैसे? और नीचे से? अबे नहीं नहीं, पाइप के अंदर बोल रहा हूँ। मैं नहीं समझा, तुम मेरे को बना के दिखाना। नहीं बोला, आप बना के मुझे दे दो एक पेपर। हाँ इसमें बच्चों तो फंडामेंटल मोड है, अगला मोड दूसरा बनाएंगे, तीसरा आप लोग खुद बना लेंगे। अगला मोड क्या बनता है? इसके बाद क्या बनता है? फंडामेंटल मोड है। इसके बाद फिर अगला, जब दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो कितने लूप आते हैं? दो लोग आते हैं। उस दो लोग का फोटो कैसे बनता है? देखो कैसे बनता है, ये आई थी, ये क्या हो गई ऐसी, फिर इसके बाद कैसा हो जाता है? ये ऐसा देखो, मैंने क्या बताया ध्यान से देखना, ये कौन सा एंड है? फिक्स्ड एंड है। और ये वाला भी कौन सा एंड है? फिक्स्ड। यहाँ पर फिक्स्ड का ऑर्गन पाइप के किसके साथ कंपेयर करते हैं भाई? इसको मेन बोलो, फिक्स्ड एंड का कंपैरिजन किसके साथ में? ओपन। तो यहाँ फिक्स्ड है तो यहाँ क्या रहेगा? ओपन। यहाँ फिक्स्ड है तो यहाँ क्या रहेगा? अब बताना ये क्या है? किसका पूरा बोलो, ये किसका नोड है? डिस्प्लेसमेंट का नोड। यहाँ डिस्प्लेसमेंट का नोड है तो यहाँ क्या होगा? फिर ऐसे बना लोगे यहाँ पे, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यहाँ इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो प्रेशर क्या होगा? मिनिमम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो प्रेशर क्या होगा? मिनिमम। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? ऐसे मिल जाएंगे। देख लो मिनिमम, अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो प्रेशर। अच्छा ऐसा होता भी बचपन में पढ़ते थे रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, याद है? ऐसा होता भी, नाइन्थ क्लास में एक्सपेरिमेंट था स्कूल का, याद है? जब साउंड ट्रेवल करता है तो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन होते हैं। रिफ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन होते हैं। तो ये वहीं से आता है। आप सोचो इस रूम के अगर इधर वाले भाग में, मान लो इस रूम के इधर वाले भाग में आग लग जाए, इधर वाले गेट की तरफ, उधर गेट के वहीं आग लग गई,
तो ये सारे बच्चे किधर जाएंगे? ये सब बच्चे किधर चले जाएंगे? इधर चले जाएंगे। तो अभी सब कैसे फैले फैले बैठे, अगर आग लग जाएंगे तो सारे के सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सब एक तरफ चिपक जाएंगे ना, तो वहां पर उनका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? मिनिमम, सब पास पास आएंगे। तो जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो साउंड में भी ऐसा होता है कि जब साउंड ट्रेवल करता है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आते हैं। जहां पर पार्टिकल्स पास पास कंप्रेशन हो जाता है वहां डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मिनिमम होता है, वहां का प्रेशर मैक्सिमम। जैसे ही सब पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो वहां प्रेशर क्या हो जाएगा? इसीलिए ऑर्गन पाइप्स में चलते हैं। अब दो तीन बार फोटो बनाना पड़ता है, देखो कुछ नहीं करना। इसका जस उल्टा कैसा बनेगा? इसका जस उल्टा कैसा बनेगा? यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो यहां पर प्रेशर को क्या करना है? मैक्सिमम। यहां लिख दूं क्या? ये प्रेशर एंटी नोड, ये प्रेशर नोड, प्रेशर एंटी नोड सही बताना, फिर प्रेशर नोड, ये क्या है? प्रेशर। तो मैं बताऊं, देखना फोटो सही बनेगा क्या? यहाँ एम्पलीट्यूड चाहिए प्रेशर का और यहाँ जीरो चाहिए। अरे यार तुमको समझाने के चक्कर में रुको, मैं बोल रहा हूँ। जब मैं समझाने ध्यान में इधर ध्यान दिया था, हाँ बनाओ।
ऑर्गन पाइप ऐसे बनाना है सर, ये एंड क्लोज है और ये एंड क्या है ओपन, ऐसा बनाओ। ओपन एंड का कंपैरिजन किसके साथ? ओ अभी भी याद नहीं हो, मतलब ओपन एंड का कंपैरिजन स्ट्रिंग के किसके साथ में करते हैं? फिक्स के साथ में, और क्लोज्ड एंड का पाइप के साथ? फ्री के साथ। तो स्ट्रिंग कैसी बनेगी? हाँ बनाओ ना, अब बनाना मतलब क्या, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने। ये सब पूछूंगा आखिर, एक ही है मतलब वो एक ही रहता है इस तरह से, ऐसा घुमा लो इसको, इसको ऐसा एक ही बार सेमी सर्कल वैसे नहीं होता, वो प्रेशर का वेरिएशन साइन मॉडल होता है। दिखा लो कोई भी दिखा लो, हाँ पढ़ लिया। चलो अब देखना सबसे पहले देखो कल इसका बनाएगा, बस ये मेन है। देखो बच्चों सब लोग ऊपर देखो एक बार, दिखना ऊपर देखो, कॉपी बंद कर लो बेटा, बाद में क्या लिखोगे फिर सवाल लिखोगे तो देखो बिना देखे क्या लिखो। देखो इधर तो यहाँ ओपन है, तो यहाँ रिजिड, यहाँ क्लोज है, ये कल पढ़ाया था, ये रिजिड एंड पे क्या मिलता है? देखो चार चीजों को याद रखोगे तो मिक्स हो जाएगी, दो को याद रखो और दो को स्मार्टली बनाओ, और कल जो मैंने बताई थी वो याद करना ज्यादा आसान होगा कि रिजिड एंड पे नोड मिलता है। अब उसको आगे बोल दो कि कौन सा नोड मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। तो रिजिड एंड पे अगर डिस्प्लेसमेंट नोड मिलता है ये याद कर लिया, तो इसका वो जस्ट होता क्या होगा रिजिड का, ओपन एंड पे क्या मिलेगा प्रेशर एंड। तो इसको याद रखो और इसका जस्ट उल्टा बनाओ। तो कल फोटो याद करो, जब एक एंड को फिक्स करते तो मिनिमम लूप कितने मिलते हैं? हाफ की एक। तो हाफ कैसे मिलेगा? यहां पर मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट नोड, और यहाँ क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल। तो आधा लोग कैसा बनता है, क्यों देखिए ऐसी बना था इस तरह से, बस यहाँ क्या हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नोड है तो यहाँ प्रेशर क्या कर दीजिए एंड एंगल, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है तो प्रेशर क्या कर दीजिए नोड। तो इसका जस्ट उल्टा कैसा फोटो बन जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा। तो ये प्रेशर मैक्सिमम हो गया, यहाँ प्रेशर देखिए। बाकी फ्रीक्वेंसी कैसे डिराइव करी थी, डिराइव कैसे करी थी वो बताओ, लेंथ कितनी होगी ये लैम्ब्डा बाय 4, यहाँ पर भी लेंथ कितनी होगी लैम्ब्डा बाय 4, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी वी बाय 4, इसके अगले मोड में। अब तुम कर लोगे डेढ़ लूप मिलेंगे, जैसा ये मिलेगा इसका जस्ट उल्टा आप लोग पटक देना, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 3V/4, नाम क्या देंगे बस ऐसे सारे फोटोज आप लोग बना सकते हैं। यहाँ सिर्फ फर्क किसका है, फोटो का, वो भी क्यों बताएं, बाय चांस कभी ऑप्शन में टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डाल देते हैं, विच ऑफ, अच्छे जो लास्ट के टेस्ट सीरीज होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओपन ऑर्गन पाइप इन 6th ओवरटोन, ऐसा बोल दिया और ऑप्शन दे दिया आपको। तो बच्चे ये तो बड़े होते हैं वो ये लगा देते हैं, इसलिए फोटो बनाए कि ऑर्गन पाइप का सिर्फ फोटो मांगे तो स्ट्रिंग का उल्टा, अगर फोटो नहीं मांगे तो सारे फॉर्मूले क्या होते हैं सेम। बस फिर इसमें हम लोग क्वेश्चन करें, अब इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। सो कंपैरिजन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप, एक छोटा सा कंपैरिजन है। जैसे बच्चों इस स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, इसको जितनी बार बोलोगे उतना ही कम मेरे हिसाब से, तो फिर एक पॉइंट को आगे, क्योंकि उसको क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा एकदम से याद आना चाहिए। अगर दोनों एंड फिक्स करोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, वी बाय कितनी 2L, यहाँ पे अब गौर करो ये वी क्या
वो वी क्या था? ये जो वी है ये क्या था? अब ध्यान सुन, पुरानी बात, दिस वी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। कल जो पढ़ाया था वो वेव किस में बना रहे थे? तो पहले पढ़ा दिया कि जब स्ट्रिंग में वेव बनाते हैं तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, और जब साउंड में वेव बनाते हैं तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है। होमवर्क दिया ना, स्ट्रिंग में बनाते हैं तो क्या होती है टेंशन के फॉर्म में? अंडर रूट टी बाय मी। और साउंड में बनाते हैं तो साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लिखते हो? टेम्परेचर के फॉर्म में गामा आर टी बाय मी लिखते हैं। तो ध्यान रखना वी वी बोलने से काम हो जाएगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन में आगे बढ़ाऊं तो ये जो वी होती है ये वेलोसिटी होती है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को जहां भी वी आ रहा है ऐसा भी लिख सकते हो, वन अपॉन टू एल और वेलोसिटी की जगह अंडर रूट टी। ये टेंशन बच्चों क्या होता है, म्यू क्या होता है? क्वेश्चन भेज दिए जिन लोगों ने चीटिंग करके देखा, समझ लो भाई म्यू क्या होता है? लीनियर डेंसिटी। तो वो सारी कहानी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऐसे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को भी ये लिख दोगे वन अपॉन फोर एल अंडर रूट टी वन। शो बताओ ऑर्गन पाइप में मैंने क्या बताया? एक मिनट, ऑर्गन पाइप में भी कौन कौन से होते हैं? बोथ एंड ओपन, वन एंड ओपन। शो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 12 की 4 है तुम बताओ क्यों? लूप एक ही है ना वो। हाँ, कंपैरिजन, जब बोथ एंड ओपन होते हैं तो उसका कंपैरिजन किसके साथ में? बोथ एंड फिक्स के साथ। तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बच्चों देखो लिखोगे तो यही। अब ध्यान से ये क्या है? वी इज द वेलोसिटी ऑफ